राधे राधे, कैसे राधे कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत है। जी की पगड़ी बनाने के लिए हम इस तरह से एक ये फ्रेम बना लेंगे। हमने हमारी पिछली सभी वीडियोस में पगड़ी की में ये फ्रेम बनाना बताया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे देख के बना सकते हैं। ये बनाना बहुत आसान है। आप किसी भी धागे से या किसी भी चीज़ से कान्हा जी के सिर का नाप लीजिए और उतना बड़ा, उससे आधा इंच एक्स्ट्रा एक बड़ा कार्डबोर्ड का पीस कट कर लीजिए और उसको उस पर ये लाल कलर का कपड़ा चढ़ाकर इस तरह से यहाँ पर पीछे चिपका दीजिए और ये फ्रेम बन जाएगा कान्हा जी के सिर के नाप का। ये फ्रेम बनाने के बाद पगड़ी के बेस की जितनी यहाँ से चौड़ाई है, मैक्सिमम उसकी जितनी चौड़ाई होगी उसके 3 गुना चौड़ा हम एक कपड़ा कट कर लेंगे। एक कपड़े की हम लंबी सी पट्टी कट कर लेंगे। हमने ये 3 इंच चौड़ी और 15 इंच लंबी ये पट्टी कट कर ली है। अब इसे हम फैब्रिक यहाँ से नापेंगे, इस पॉइंट से यहाँ तक कि जितना डिस्टेंस होगा, जितनी दूरी आएगी इतने पर हम यहाँ पर इस तरह से चुन्नट डालकर ऐसे एक धागा लपेट देंगे। इस तरह से धागा पकड़कर हम इस पर लपेट देंगे। अब इस पर धागा लगाने के बाद एक्स्ट्रा धागा हम कट कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ से नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक जितनी चौड़ाई होगी, जितनी दूरी है इतना हम फैब्रिक यहाँ पर पकड़कर फिर से यहाँ पर ढीला, यहाँ पर हमने टाइटली लगाया था यहाँ पर एक धागा यहाँ पर भी बांध देंगे। इस तरह से धागा लगाने के बाद अब हम फैब्रिक यहाँ पर पेस्ट करेंगे। जो पगड़ी का आगे वाला पोर्शन है, जो इसका मिड पॉइंट होगा, आगे से यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे और इस पर इस तरह से ये जो हमने थ्रेड लगाया था इसे इस तरह से रखेंगे और ये जो फैब्रिक है इसे हम इस पर चारों तरफ इस तरह से पेस्ट कर देंगे कवर करते हुए ऐसे। अब इस पर किनारे किनारे इस तरह से हम यहाँ पर ग्लू लगा देंगे। इसे फैब्रिक इस तरह से हम इस पर रख देंगे ऐसे। से हमने फैब्रिक को चारों तरफ से इस पर लगा दिया है। लगने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब हम फैब्रिक के किनारे किनारे पर यहाँ पर हम लगाते जाएंगे इस तरह से। इसे हम इस तरह से किनारा अंदर की तरफ मोड़ते हुए, जिससे बाहर कपड़े के रेशे, कपड़े का किनारा बाहर ना दिखाई दे ऐसे, इस तरह से हम इसे लगा देंगे इस पर। अब इस तरह से लगाने के बाद हम इसमें चुन्नट बनाएंगे ऐसे। अभी चुन्नट सेट करने के बाद इसके ऊपर जो किनारा है यहाँ पर हम इस वाले फैब्रिक पर ग्लू लगाएंगे और यहाँ इस तरह से हम चिपकाते जाएंगे और ये इस तरह से आप देखेंगे इस तरह से इसकी ये शेप आएगी। अभी जो पगड़ी का पीछे वाला जो मिड पॉइंट है यहाँ पर हम इस तरह से ग्लू लगाएंगे की तरफ भी और यहाँ पर हम प्लीट्स को सेट कर देंगे इस तरह से।
अब ये लगाने के बाद अब हम ऊपर ऊपर किनारे पर इस तरह से लगाएंगे, इसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए ऐसे। यहाँ तक हमने ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम प्लीट्स बनाएंगे फिर से। प्लीट्स सेट होने के बाद अब इसे यहाँ किनारे पर हम ग्लू लगाएंगे नीचे से ऐसे। अब इसे इस तरह से हम ये मोड़ते हुए फैब्रिक को इस पर ऐसे पेस्ट कर दें। ऐसे अब आगे से इस तरह से हम इसे यहाँ पर पहले पेस्ट करेंगे इस तरह से। अब इसे लगाने के बाद हम इसे ऊपर की तरफ ऐसे लेकर जाएंगे तो इसे यहाँ पर पहले ग्लू लगा देंगे। ऐसे अब इसे लगाने के बाद हम इसे ऊपर की तरफ ऐसे लेकर जाएंगे तो इसे यहाँ पर पहले ग्लू लगा देंगे। ऐसे ये अब यहाँ पर हम इसे फैब्रिक पर इस पर फैब्रिक पर ग्लू लगाएंगे और इसे इस पर पेस्ट कर देंगे। और एक्स्ट्रा हम यहाँ से कट कर देंगे। का पंखा बनाने के लिए हमने ये 7.5 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा ये बुकरम का पीस कट कर लिया है। अब इस पर हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। ये हमने इस पर पूरे पर फैब्रिक ग्लू लगा लिया है। अब हम फैब्रिक को ये हमने वेलवेट का फैब्रिक लिया है इसे उल्टा करके रखेंगे इस तरह से और इस पर इसे पेस्ट कर देंगे ऐसे अच्छी तरह से। अब इसे सूखने देंगे। सूखने के बाद इसे फैब्रिक के साथ कट कर लेंगे। ये फैब्रिक को बुकरम आपस में चिपकने के बाद हमने सूखने के बाद कट कर लिए हैं। अब कट करने के बाद जब हम इस तरह से जो पगड़ी में ऊपर कंगली के लिए हम इस तरह से जो प्लीट्स बनाते हैं ऐसे, ये आप जितनी चौड़ी एक प्लीट्स बनाएं उतना बड़ा हम एक पत्ती इस तरह से कार्डबोर्ड पर एक पत्ती की डिज़ाइन कट कर लेंगे ऊपर से ऐसे। कट करने के बाद अब हम इसको इस तरह से रखेंगे प्लीट्स बनाने से पहले। इस तरह से रखकर हम इसे यहाँ पर बुकरम पर इस तरह से हम इसके निशान लगाते जाएंगे ऐसे, जिससे हम एक सी ही इस सभी पत्तियों की शेप हमें कट कर सकें ऐसे। इसे बराबर बराबर रखते जाएंगे और इस पर निशान लगा लेंगे पहले पूरे पर। इस तरह से पूरे पर हमने निशान बना लिए हैं। अब इसको हम कट कर देंगे जो हमने लाइन ड्रॉ की है इस पर। इस तरह से हम इसे कट करते जाएंगे। पूरी पट्टी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। ये कट होने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब इस पर हम हर पत्ती के बीचों बीच में इस तरह से हम इसे हाथ से सेट करते हुए प्लीट्स यहाँ पर बना देंगे क्रीज इस तरह से सभी पत्तियों पर बना लेंगे। अब ये बनाने के बाद हम इसे इस तरह से आपस में प्लीट्स को चिपकाते जाएंगे। अगर आपके पास ग्लू गन ना हो तो आप इसको सिल भी सकते हैं या फिर फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से। तरह से पेस्ट हो गई है। अब इस पर आगे भी
हर पत्तियों के बीच में इस तरह से ग्लू लगा के इन्हें चिपका कर इसे सेट कर देंगे ऐसे। ऐसे हमने सारी प्लीट्स आपस में चिपका दी हैं। अब चिपकाने के बाद इसके ऊपर जहाँ पर हमने ये फैब्रिक यहाँ पर कट किया था यहाँ हम ग्लू लगा कर इसे इस पर पेस्ट कर देंगे ऐसे। अब ये इस तरह से चिपकने के बाद इस पर जो लास्ट वाली पत्ती है इस पर हम इस तरह से ग्लू लगाएंगे यहाँ अंदर की तरफ, इसे इस तरफ ऐसे चिपका देंगे इधर। ये ऐसे लगाने के बाद अब ऐसे ही इधर इस पत्ती पर हम लगाएंगे ग्लू और इसे भी इधर मोड़ते हुए हम चिपका देंगे। इसके बाद ये इस तरह से दिखेगी। ऐसे बेस बनने के बाद अब हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। डेकोरेट करने के लिए फैब्रिक ग्लू लेंगे और जैसे हमने ड्रेस पे लगाया था बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़कर इस तरह से हम ग्लू लगाकर इस पर हर पत्ती पर ये स्टोन जो हमने ड्रेस पर लगाए थे वही लगा देंगे इस पर इस तरह से। इस तरह से हम हर पत्ती के किनारे किनारे पर ये स्टोन लगा देंगे। इसके बाद कोई भी एक पैच लेकर जो आपको पसंद हो इस तरह से यहाँ पर हम लगा देंगे बीचों बीच में पगड़ी के ग्लू लगाकर फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर देंगे ऐसे। इस तरह से ये लगाने के बाद अब हम यहाँ पर किनारे किनारे पर ग्लू लगाकर स्टोन चेन लगा देंगे जरकन की लड़ इस तरह की से हम यहाँ पर इस तरह से किनारे किनारे लगा देंगे। इस तरह से हमने इसमें दोनों तरफ दो दो लाइन स्टोन चेन की लगा दी और बीच में एक पैच लगा देंगे। ये हमारी कान्हा जी की पगड़ी बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के एसटी राधे कृष्णा सिंगार को सब्सक्राइब करें।